आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। गुलाबी महक से सरापुर गांधी हॉल में दो दिनों तक गुलाब प्रेमियों का मेला जुटा रहा। गुलाब के 3000 रंग बिखरे बिरंगे फूलों का आकर्षण दर्शकों पर इस कदर परवान चढ़ा कि कल और आज समापन बेला तक 15,000 से 20,000 दर्शकों ने इन मनमोहक फूलों को देखा, छुआ और अपने मोबाइल के कैमरों में कैद भी किया। आज तो सुबह से लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। युवा वृद्ध बालकों से लेकर हर आयु के दर्शक इसमें शामिल थे। संध्या को गुलाब प्रदर्शनी के दौरान आयोजित स्पर्धाओं के विजेताओं को न्यूयॉर्क अमेरिका में पदस्थ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मदन पटेल, मुखातिथ्य एवं प्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल शर्मा एवं गीता भवन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप मेहता के विशेष आतिथ्य में पुरस्कृत किया। इस बार ऑलराउंडर चैंपियनशिप पीथमपुर के LNT उद्योग के उद्यान को और व्यक्तिगत श्रेणी में श्रीमती उषा कमल भुराड़िया को प्रदान की। मालवा रूस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर देव पटौदी, डॉक्टर अरुण सराफ ने बताया, वर्ष में एक बार गांधी हॉल में शनिवार से प्रारंभ प्रदर्शनी में 270 किस्मों के 3000 गुलाब प्रदर्शित किए। गुलाब के सभी नौ रंग प्रदर्शनी में शामिल रहे। कल रात, आज और सुबह से रात 10 बजे तक 20,000 से अधिक दर्शकों ने प्रदर्शनी को निहारा। शहर के अनेक गणमान्य नागरिक भी प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे। दर्शकों का उत्साह इतना था कि कतारें लगाना पड़ी। स्कूली बच्चों के लिए गुलाब पर आधारित चित्रकला स्पर्धा का आयोजन सुबह गांधी हॉल में हुआ, जिसमें करीब 20 विद्यालयों के 80 बच्चे शामिल हुए। पुरस्कार वितरण समारोह में अतिथियों ने आयोजन को शहर के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। सोसाइटी के पदाधिकारियों को बधाई दी। प्रारंभ में BK सारस्वत, सुनील खंडेलवाल, KS गुर्जर, आनंद गोखले आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर देव पटौदी ने अंत में आभार माना। 35वां वार्षिक गुलाब पुष्प प्रदर्शनी है। इसका आयोजन हम निरंतर 35 साल से कर रहे हैं। कोविड के कारण हम 2 साल नहीं कर पा रहे थे। 3000 इसमें प्रदर्श हुए हैं, जो कि 260 वेराइटी के हैं। आज डॉक्टर मदन पटेल, जो USA से आए हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। वो मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर अनिल शर्मा हैं। देवास पुरस्कार वितरण डॉक्टर मदन पटेल द्वारा किया जा रहा है और इंदौर, देवास, पीतमपुर, धार, राव, यहाँ से हमारे आते हैं सब। चित्रकला नहीं, ये पुष्प संयोजन है। जो पुष्प संयोजन का आयोजन हमेशा करते हैं, जो स्कूली बच्चों के लिए होता है, इसमें 3 कैटेगरी रहती है। एक सिर्फ गुलाब के साथ, एक गुलाब ग्रीन लीव्स के साथ, एक गुलाब विद ड्राई मटेरियल के साथ। इसमें बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया है। 3 कैटेगरी रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और 12वीं।